नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में ही, जिसका नाम है अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी। दोस्तों, आज मैं आपका थोड़ा सा भ्रम होता है कि ऋषि बेस्ड हैं, जैन बेस्ड हैं, कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों, इसको लेकर मैं अपना बयान दे देता हूं। जो ऋषि प्रणाली है सबसे पुरानी लिपि है, ओल्ड लिपि है, और यदि आप उसको सीखते हैं तो ऋषि प्रणाली में हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ऋषि प्रणाली में आपको किसी शब्द को बनाने में कोई डाउट नहीं होता है कि ये शब्द क्यों बना है, कैसे बना है। और सबसे एक अच्छा लेवल, सबसे शॉर्ट वर्ड में यदि बना सकता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि प्रणाली के अंदर बना सकता हूँ। जबकि यदि मैं कंपेयर करूँ जैन प्रणाली, तो जैन प्रणाली की मैं बुराई नहीं कर रहा, अच्छी है, जो सीख रहा है उसके लिए अच्छी है, जिसने सीख ली है उसके लिए बेटर है। लेकिन जो अभी से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिगिनिंग में हैं, या फिर जिनको स्टेनोग्राफी सीखनी है, या जो सीखने से पहले ही ये जानकारी ले रहा है कि ऋषि बेस्ट है या फिर जैन बेस्ट है, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि ऋषि प्रणाली इज द बेस्ट प्रणाली इन द वर्ल्ड। क्योंकि ऋषि प्रणाली के अंदर हर शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, वो शब्द क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे छोटा हो रहा है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको किसके अंदर मिलेगा, ऋषि प्रणाली के अंदर बनेगा मिलेगा। और जैन प्रणाली के अंदर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि वो शब्द क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। बस ये शब्द होता है कि कै को टैसे झाड़ दो तब ये शब्द बन जाएगा, चै को टैसे काट दो तब ये शब्द बन जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अपने ऋषि प्रणाली में नहीं होता है। इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ आपकी क्लियर होती है, दिमाग के अंदर कोई भय नहीं रहता, कोई डाउट नहीं रहता, हर चीज़ आपकी क्या की जाती है, वहाँ पर क्लियर की जाती है। तो दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, बेचेज के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप आराम से सेटिस्फाइड होकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।